विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें कक्षा 9 और विषय सामाजिक विज्ञान। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज आपको पता है खास दिन है 15 अगस्त, यानी स्वतंत्रता दिवस। आज हमारा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस बना रहा है, तो सभी विद्यार्थियों का स्वतंत्रता दिवस की इस हार्दिक शुभकामनाएँ सभी को सभी जश्न के साथ। हालांकि अब विद्यालय में नहीं पहुँच पाए क्योंकि कोरोना वायरस है, तो हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अध्याय हमारा चल रहा है दूसरा, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। उसमें हम पढ़ चुके हैं अक्टूबर के बाद क्या बदला, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मास्को में मई दिवस का प्रदर्शन हुआ। फिर गृह युद्ध, क्या हमने गृह युद्ध पढ़ा था, ग्रामीण इलाकों में हुई क्रांति के बारे में दोनों दृष्टिगोत्रों को पढ़िए। तो गृह युद्ध क्या था, तो गृह युद्ध जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों, राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक रेड से लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित करने लगे। 1918-19 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का नियंत्रण रहा। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएँ बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में निजी संपत्ति के हिमायती थे। उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1922 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से एक कामयाबी मिली थी, जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के न्यायी बन गए थे। वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालत में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियतीय संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया। राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई, लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियाँ जैसे गुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशें थोप दी गई थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से सफल हो गए। समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को जमीन पर खेती की छूट दे दी, जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए किया करते थे कि समयुक्तता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय करते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले, स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई और नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। ये कुछ बातें हमने पढ़ ली थी ना। मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोग्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल 550 बार काम रुका। एक साल में 550 बार रिहायशी क्वार्टर में जोड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग 4थी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोल दी गई।
सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई, मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसी नहीं रही क्योंकि सरकारें संसाधित सीमित थी। स्टालिनवाद और सामूहिकरण नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के दौरान रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमतों पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी के कमांड संभाले स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी में अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास अनाज को जमा करना था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकाने पर छापे मारे। हमें रूसी क्रांति पढ़नी थी ना, चलो आज वापस पढ़ लेते हैं। शायद ये पहले पढ़ लिया था हमने, लेकिन फिर दोबारा इसको पढ़ना है, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया तो हम पढ़ ही लेते हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई, फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशाल कई खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदर्श जारी कर दिया। ज़्यादातर ज़मीनें और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों ने बांट लिया था। फैसले से गुस्साई किसानों ने सरकार का विरोध किया और अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या में एक तिहाई कमी आ गई। समीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। समीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर और न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसान की व्यवस्था कर दी, लेकिन किसानों को कोई खास मदद नहीं दी। ये हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था, ध्यान रखना। अब दोबारा तो थोड़ा स्टार्ट कर दिया तो पढ़ ही लेते हैं इसको, ठीक है। ये पढ़ लिया था, आगे चलते हैं थोड़ा। ये भी हमने पढ़ लिया सारा, तो दोबारा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ना है भाई, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बोल्शेविक ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशवाद की जनता को उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिनटर्न में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद का एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में उस बात को मान लिया गया था। सोवियत संघ में कुछ ठीक ठाक चल नहीं था, एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। तो सोवियत संघ रूस में एक भारतीय 1920 नए शब्द प्रति कारांतरवादी होते क्रांति विरोधी। तो ये पूरा पाठ हो गया। इन पाठों को आपके पास संजीव है ना, जो एक्सीलेंट या संजीव पासबुक है, उनमें से कर लेना, क्योंकि विश्व का इतिहास है उसमें ये क्वेश्चन सीधे मिलेंगे नहीं। तो आप अपनी जो बुक है या संजीव पासबुक है या एक्सीलेंट कोई भी है, उसमें से ये क्वेश्चन कर लेना, सर आपकी कॉपी चेक करेंगे। ये पाठ हमारा पूरा हो गया, तो अगले हम तीसरे पाठ की तरफ कल से रुख करेंगे।